जय श्री राम दोस्तों, जय भोलेनाथ। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ मस्त होंगे यार, अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। तो भाई कल की ट्रिप आपने देखी होगी, बहुत ही तगड़ी थी। और अभी तक आपने नहीं देखी तो पहले आप कल वाली ट्रिप देखो हमारी। कल वाली दीवा रसलान दीवा वाली ट्रिप थी, तो बहुत ही भयंकर ट्रिप थी भाई। आप देखना, हम जंगलों के रास्ते से गए, रात रात को गए। मतलब दो एपिसोड में डाल रहा हूँ मैं उसे, एक नाइट वाला और एक अगले दिन वाला। तो आप ज़रूर देखना उसे और बताना कैसी लगी आपको वो वाली वीडियो, कमेंट करके वो वाली वीडियो बताना कैसी लगी। पहले इस वाली वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले आप इस वाली वीडियो को पूरा देखो, फिर उसके बाद देन उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना। बाकी अभी हम जा रहे हैं कालिंको मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है इधर साइड का, बीरूखाल साइड का। तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं और निखिल भाई और मैं तैयार हो चुके हैं बाइक वीक में। अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कितना दूर है। अभी हमें लोकेशन भी पता नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क इशू है बहुत तगड़ा वाला, इमरजेंसी कॉल आ रखी है। तो अभी नीचे चल के देखते हैं, वहाँ से मैप में देखेंगे कि कितना दूर है, कितना सफ़र है। बाकी चलते हैं वहाँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको दो चार दिनों में। तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो बाकी अभी निकलते हैं, निखिल भाई तैयार हो चुके हैं हमारे, चश्मे डाल के, हेलमेट वेलमेट डाल के। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। गाइस पुनीत भैया के फिर से दुकान बंद है आज भी। हम पुनीत भैया के यहाँ जा रहे थे, पुनीत भैया से मिलने आ रखे थे। तो जब इस रात से आए तो पुनीत भाई से मिलने, बट पुनीत भाई दुकान में है ही नहीं। तो भाई अभी हमने एक स्टॉप लिया है सराई खेत में, यहाँ से कालिंको लगभग 12 से 14 किलोमीटर दूर और है। तो यहाँ पे हम थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे चाय छुई पियेंगे और कुछ खाएंगे। तो निखिल भाई कुछ खाएंगे? यहीं पे चलते हैं, यहीं सामने। हाँ यहीं पे, ये शायद यहाँ पे स्वीट्स की दुकान है। तो आगे चल के हम जहाँ पे थोड़ा चटपटा सा खाने का मन कर रहा है हमारा, घूम के आ रहे हैं, थोड़ा घूम के भी आएंगे। और गाइस हमारा सैंडल टूट चुका है हमारा बिल्कुल, बहुत ही भयंकर तरीके से। मैं नीचे आ रहा था ना जब, उस टाइम ही टूट गया था भाई। बाकी अभी मार्केट घूमते हैं, थोड़ा मार्केट देखते हैं कैसा है। बाकी उसके बाद हम निकलेंगे और कुछ खाते हैं पहले, फिर उसके बाद निकलेंगे हम कालिंको के लिए। थोड़ा बाजार का व्यू भी देखते हैं और लोग बाग भी देखते हैं आके। पेन किलर खाना पड़ेगा भाई रात को। और अभी हम शायद कल हम कहाँ जाए ना, धुमाकोट। तो कल हम धुमाकोट जाएंगे, कल धुमाकोट में भी कुछ काम है तो वहाँ भी जाना है हमें। तो बाकी आप वीडियो में बने रहो, आप मजे लो, एंटरटेनमेंट लो, तब तक हम भी चाउमीन खाते हैं थोड़ी बहुत। थोड़ा भाई बहुत थक चुके हैं यार, चाय बढ़वाते हैं क्या है? चाय पीना बंद करो यार, ठंडा बाद में पी लेंगे। मतलब हाँ देख लेंगे, अभी क्या पता चाय पीने का मूड भी बना तो चाय पी लूंगा मैं तो। अभी चाय पीनी है भाई मेरे को, पहाड़ी भाई हम चाय के मारे रहते हैं, लोग बोतलों के मारे रहते हैं, ब्लेंडर प्राइस मैं और हम एक कप चाय बस। तो लो भाई चाउमीन भी आ चुकी है हमारी, ये चाउमीन। तो भाई जल्दी से करो स्टार्ट, खाते ही नहीं। बहुत भाई बहुत थकान लग रखी है, चाउमीन खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा। तो भाई अभी हमने चाउमीन खा लिया और बहुत ही अच्छी चाउमीन हो रखी थी, थोड़ी मिर्ची हो रखी थी बस। बाकी अभी अब हम निकलते हैं यहाँ से और भाई बहुत बहुत मिर्ची लग रही है। निखिल भाई तुम्हें तो नहीं लग रही मिर्ची, क्या ही बताओ चाउमीन थोड़ी नहीं लग रही। और भाई अभी फिर से फोन चार्ज लगा रहे हैं, फोन में थोड़ा देखते हैं चार्ज, क्योंकि वहाँ जाके हमने फ़ोटो लेनी है, क्लिप है होगी बहुत सारी, तो पहले थोड़ा चार्ज लगाते और चलिए चलते हैं। अभी हम अपनी प्यारी सी लोकेशन में पहुंच चुके हैं, देखो ये रहा गेट माता जी का। और हमारे निखिल भाई आइसक्रीम खाने पे लग रखे हैं, दूसरी लोकेशन दूसरी जगह विद आइसक्रीम। देखो भाई अभी यहाँ से फिर से पैदल रास्ता है, देखते हैं कब तो पहुंचेंगे वहाँ। बस चल रहे हैं, अभी चलते चलते देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। मंदिर के बिल्कुल समीप बड़ा सा गेट है, पीछे दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़ा सा गेट है ये, देखो प्यारा सा गेट। बाकी व्यू तो है ही भयंकर,
व्यू में तो कोई कमी नहीं है भाई, हर जगह व्यू तगड़े तगड़े। तो ये हमारे निखिल भाई थक गए हैं बहुत ज्यादा। निखिल भाई थकान लग गई है क्या ज्यादा? मतलब हम इतना चले हो भाई तुम कभी? कहाँ चले भाई तुम इतना? अरे नहीं मतलब कल भी गए हम, आज भी आए, अभी भी जाना है नीचे, सुबह भी आए थे। तो मतलब बहुत लंबा रास्ता है भाई। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय भोलेनाथ। बाकी देखो सब भाई, ये पूरा दानदाताओं की लिस्ट। बाकी ऊपर चलते अभी, और अभी आपको एक भयंकर चीज दिखाने वाला हूँ मैं, यहाँ की फेमस चीज हो। अरे अभी देखते को फेमस चीज दिखाऊंगा यहाँ की। जब मैं पिछली बार आया था तो पिछली बार थी यहाँ की फेमस चीज, मेरे को पिछली बार ही पता लग गई थी। तो मैं आपको इस बार बताऊंगा यहाँ की फेमस चीजें। तो भाई जो मैं इंटरेस्टिंग बात करने वाला था तो वो मैं आपको बताता हूँ बेल आइकन दबाने के बाद। तो आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो यहाँ पे जब भाई मेला टाइप का लगता है ना, तो यहाँ पे न्याजा जी अर्पित होते हैं, और साथ में ये पूरा कुमाऊँ बॉर्डर है। मतलब ये वाला गेट है ना जो, यहाँ से पूरा कुमाऊँ बॉर्डर है, ये कुमाऊँ एरिया में चलता है। और बाकी यहाँ पे भी देखो ये सारे दानदाताओं का नाम, और ये पूज्य बाबा लेली बुबा। तो इन्होंने मैंने जहाँ तक सुना है कि इन्होंने यहाँ से गोरखों को भगाया था और गोरखों के साथ लड़ाई की थी, और उसमें कालिंगा माँ का साथ मिला था इन्हें। तो तब से यहाँ पे मतलब इन्हें पूजा जाता है, और लाली बुबा माना जाता है कि बड़ियार वंशज के पूर्वज हैं, और इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, और तब उसके बाद यहाँ पे कालिंगा माँ का एक भव्य मंदिर बनाया गया। भव्य, ये देखो आगे देखो आप, क्या प्यारा मंदिर है। तो मतलब ऐसे ऐसे कथाएं हैं, कुछ कथाएं मेरे को नहीं भी होगी पता, तो गाइस माफ करना, मतलब कहीं मैं गलती करूँगा तो वो जिन भी भाइयों को पता होगा तो वो कमेंट में बता दे मुझे कि यहाँ पे और क्या चीज़ें ऐसी। बाकी ये पूरा कुमाऊँ है, आप ये वाला एरिया देख रहे होंगे जितना भी, ये सारा कुमाऊँ का एरिया है, और हमारा इधर गढ़वाल का, मतलब इधर की साइड पूरा गढ़वाल है और उधर की साइड पूरा का पूरा कुमाऊँ एरिया। तो बताया जाता है कि माता कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों जगहों में प्रवेश करती है, मतलब दोनों जगहों में रहती है 6 महीने गढ़वाल जिले में, 6 महीने कुमाऊँ मंडल में, ऐसा ऐसा करके रहते हैं। बाकी यहाँ पे कार्य बिल्कुल प्रगति पर चलता ही रहता है, ये देखो कुछ ना कुछ काम होता ही रह रहा है यहाँ। और हमारे निखिल भाई बहुत थक चुके हैं, तो निखिल भाई अभी आप कुमाऊँ के बॉर्डर में, भाई कुमाऊँ में अभी आप, कुमाऊँ भी अपना ही शहर है। और उधर भाई उधर वाला मंदिर है जो हमारा गढ़वाल का मंदिर है, देखो कितना शानदार मंदिर है। बाकी लोग बाग बहुत ज़्यादा आ रखे हैं अभी भी यहाँ, मतलब बहुत भीड़ रहती है भाई यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। बाकी यहाँ पे मैं भी दर्शन करता हूँ, फिर तो उसके बाद आपको थोड़ी और चीज़ें जानकारी पूछता हूँ यहाँ से पुजारी जी से, यहाँ कोई आता होगा मतलब कोई सालों से आता होगा तो उनसे पूछूंगा। सिमर क्या, अच्छा वहाँ भी एक मंदिर है, वो सामने देखो एक और मंदिर है, वो सामने प्यारा सा मंदिर है, वो भी अच्छी लोकेशन पे भाई, वो भी टॉप पे फर्स्ट क्लास। हमें एक भाई मिल चुके हैं कुमाऊँ साइड से, तो भाई आप अपनी लोकेशन बताओ, आप कहाँ कहाँ से हो मतलब? और मैं जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो हमारा गांव इधर सहायकित पड़ता है। आज हमने सोचा चलो माता के दर्शन करने हम भी आ गए, और इसी बहाने आपसे मुलाकात होगी, तो बड़ा अच्छा लगा माता के दर्शन करके और भाई लोगों के साथ मिल के। जी जी, जय भोले, जय भोले, जय माँ भगवती। तो मतलब आप इतने दूर से आए, आपको कैसा लगा यहाँ? और लगभग मैं आपने कहा कि 1-1.5 घंटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। मैं अकेले मैंने यात्रा की, पहले मैं मार्केट से बाइक में इधर नीचे आया, उसके बाद इस पर चढ़ाई चढ़ के माता के दर्शन करने आया, और मुझे बड़ा सौभाग्य। आप सरायखेत से आए? सरायखेत हमारा मार्केट है और गांव हमारा उससे थोड़ा नीचे है। ठीक ठीक, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मतलब कुमाऊँ और गढ़वाल वालों का तो अलग ही मजा आता है। लोग कहते हैं गढ़वाल वाले तेज होते हैं, कुमाऊँ वाले कहते हैं गढ़वाल वाले तेज होते हैं, ये तो बातचीतें चलती रहती है। बाकी अच्छा लगा आपसे। अदर स्टेट वाले कहते हैं हमारे लिए ऐसे, हमारा मतलब भाईचारा तो है ही, बट अदर स्टेट वाले कहते हैं कुमाऊँ वाले तेज है, गढ़वाल वालों को, गढ़वाल वालों को कुमाऊँ वाले तेज है।
ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारा भाईचारा ऑन टॉप है, कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा है, बड़ा तगड़ा है। बाकी माता के दर्शन भाई आप व्यू चेक करो, कितना ही तगड़ा मंदिर है भाई ये देखो। बाकी यहाँ पे बहुत भक्त जना रखे हैं और बहुत ही लंबा चौड़ा भाई पांडाल है यहाँ का, वहाँ देखो वहाँ उतना बड़ा पांडाल है, फिर यहाँ पे मंदिर है, फिर यहाँ पे भी मंदिर है भाई, आप देखो कितनी लंबी चौड़ी जगह है। बाकी फुर्सत से कभी हम दोस्तों के साथ आएंगे, यहाँ पे मेला लगता है तो माता का न्याजी यहीं पे होता है, फिर उसके बाद अपने स्थान पे न्याजा नीचे गांव में जाता है, कोठा कहते हैं उसको, कोठा गांव में। हाँ कोठा गांव में है, 6 महीने यहाँ और 6 महीने के बाद, 6 महीने वहां रहते हैं माता जी। तो हाँ मैंने ऐसे सुना क्योंकि मैं भी पिछली बार आता था जब मेला था, तो मेले में मैंने भी देखा था कि यहाँ से न्याजे ले जा रहे थे। मैं तो उस टाइम क्या कर रहा था, झंडा कह रहा था, मेरे को क्या पता होता था, फिर मैंने बोला क्या झंडा ले जा रहे, बट जब मैंने साक्षात हाथों में देखा था कि एक हाथ पे ले जा रहे थे बंदा, वही तो मेन है, मेन जो माता है वही है, मतलब एक हाथ पे ले जा रहे थे भाई, एक हाथ पे इतनी तेज जा रहे थे, इतनी तेज वो शक्ति है माँ की। तो बाकी भाई लोकेशन देखो, यहाँ पे न्याज चढ़ता है, मतलब जब भी मेला होता है तो यहाँ पे न्याज होता है, शायद 3 साल में होता है ना, 3 या 2 साल में, 3 साल में हर बार होता है, और अभी रिसेंट हुआ था दिसंबर में, 22 दिसंबर में पिछले साल, तो अभी इस बार भी होगा, तो इस बार भी मैं जरूर आऊंगा और आपको भी बताऊंगा, और इस बार तो आप तड़कते भड़कते वीडियो आपके लिए आती रहेगी। बाकी कल का टूर हमारा और भी होने वाला है, और हमारे हमारे साथ एक कुमाऊँ वाले भाई भी जुड़ चुके हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी हमारी फैमिली में जुड़ चुके हैं। तो आप अपनी लोकेशन बताओ कि आप कौन कौन सी जगह से मेरे साथ जुड़े हुए हो, हमारी फैमिली से जुड़े हुए हो। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं तोड़खाल में, और यहाँ जाके हमारा टायर पंचर हो चुका है, और बीच में बारिश भी चल रही थी भयंकर वाली, तो हमने रेनकोट भी उतार लिया था। तो एक गाड़ी का हाल दिखाते हैं आपको, ये देखो पंचर हो रखा है पूरा, टायर निकाल दिया है, यहाँ टायर बन रहा है हमारा, निखिल भाई एक और समस्या, नीचे आ रहे थे तब भी पसीना, ऊपर आ रहे थे तब भी पसीना, और अब टायर ही निकल, टायर का पंचर ही हो गया भाई, ये देखो अब थोड़ा टायर का पंचर बनेगा, फिर देन देखते हैं कब तक निकलते निकलेंगे हम। और आज हमारा स्टे होगा धूमकोट में, तो अभी धूमकोट में जाएंगे, धूमकोट लगभग यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का सफर है। तो भाइयों अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ऐसी ट्रिपों में जिसमें हम भाई पहले गए हम रसलान दीवा माँ, फिर उसके बाद कालिंको भाई, आए हाय मेरा बहुत मन था इन दोनों जगह जाने का, और आज वो सपना भी पूरा हो चुका है। बाकी मैं पहले गया था, बट पहले मैं इन मंदिरों के अंदर नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे हम छुपे हुए थे, तो उस टाइम से मैं जा नहीं पाया था, बट इस बार मैं दोनों मंदिरों में अंदर भी गया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारे मंदिर थे। और अभी जस्ट 10:30 बजे मैं घर पहुंचा हूँ, पहले मैंने सोचा कि हमें धूमकोट में 9:30-10 बजे जाएंगे तो घर क्या जाना है, बट फिर उसके बाद हम 8:30 बजे पहुंच गए थे, तो 8:30 बजे के बाद जस्ट अभी 10:30 बजे, मतलब 2 घंटे में हम धूमकोट से घर भी आ चुके हैं यहाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। बाकी गाइज आप बताना आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे इस प्यारे से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बाकी मैं तो आपको अगली वीडियो के साथ अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल।